वेलकम स्टूडेंट्स, सो वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑसिलेशन चैप्टर। प्रॉब्लम नंबर 8 से प्रॉब्लम नंबर 20 तक हमारे प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुके हैं लास्ट के लेक्चर्स में। अभी आज हम प्रॉब्लम नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट आई विल रीड द प्रॉब्लम। A 20 centimeter wide thin circular disc of mass 200 gram is suspended to a rigid support from a thin metallic string. By holding the rim of the disc, the string is twisted through 60 degree and released. It now performs angular oscillations of period 1 second. Calculate the maximum restoring torque generated in the string under undamped conditions. So here the value of width of the disc is given, okay, that is W, that is 20 centimeter, and then after there is a theta, that is 60 degree, and period is given, that is 1 second, and calculate the maximum restoring torque. So we have to find the torque, that is denoted by tau, and here pi cube is equal to 31. This value is mentioned. So in this problem, basically we have to find the torque acting on the that disc. See here, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में हमें फर्स्ट जो वैल्यू मेंशन की है वो वैल्यू है W. What is basically W here? W is the width है. See here, यहां पे एक रिजिड सपोर्ट है, उसको हमने क्या किया है, यहां पे एक जो डिस्क है इस तरह से हैंग की है। अभी ये जो डिस्क है वो क्या होने वाले है, ट्विस्ट, इस तरह से एंगल में चेंज होने वाला है। वो जो एंगल दिया है यहां पे वो क्या है, 60 डिग्री दिया है। ये जो विड्थ होगी, विड्थ क्या होगी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, दैट विड्थ इज नथिंग बट व्हाट, डायामीटर। वही क्या है, डायामीटर है। उससे हम जो रेडियस है उसका वैल्यू लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, एंड दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, मीन्स 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर। जो विड्थ है वही डायामीटर है, उससे हमने क्या फाइंड किया, रेडियस का वैल्यू फाइंड किया, हाफ किया उसको, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया है, जो कैपिटल टी है पीरियड है 1 सेकंड मेजर यहां पे दिया है। यहां पे जो उसको टॉर्क, फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। सी हियर, जो थीटा का वैल्यू है डिग्री में है उसे हम लिख सकते हैं रेडियन में π/3, ओके, π/3, दैट इज 60 डिग्री। सी हियर, जो ओमेगा का है फॉर्मूला क्या है, 2π/t। सो बेसिकली हियर टी इज 1 सेकंड, सो दैट इज ओमेगा इज 2π रेडियन पर सेकंड। ये जो है ये डिस्क है, सो ये डिस्क है, तो डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फार्मूला हमें मालूम है, क्या है, आई इज इक्वल टू mr² / 2। सो व्हाट इज हियर m, m का जो वैल्यू है वो दिया था हमें 200 ग्राम, ठीक है। जो m का वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया है वो कितना किया है, 200 ग्राम। सो यू हैव टू राइट 2 × 10⁻², ये 200 के लिए 2 × 10⁻², और ये -3 ग्राम का किलोग्राम कन्वर्जन, सो दिस विल बी 2 × 10⁻¹ किलोग्राम, दैट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम, दैट इज मास। सो नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू हियर, सी 2 × 10⁻¹ आर का स्क्वायर है, मींस -1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, -1 × 10⁻¹ का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, सो दिस 2 विल गेट कैंसल, वी हैव -1 एंड इट विल बी -2। सो जो आई का वैल्यू है वो हमें मिलेगा फाइनली 10⁻³।
मीटर स्क्वायर। सो जो हमारे पास आई का वैल्यू है वो कितना मिला है, 10^-3 केजी मीटर स्क्वायर। सी यहाँ पे क्या होने वाला है, ये ट्विस्ट जब करेंगे हम, जो पीरियड है उसके लिए उसका जो फॉर्मूला है 2π√i/c, ये फॉर्मूला है ठीक है। जो व्हेन वी आर ट्विस्टिंग सम बॉडी एट दैट टाइम द पीरियड इज गिवन, सो दैट इज इक्वल 2π√i/c। जब एकादी हैंगिंग बॉडी होती है उसका ऑसिलेशन का जो पीरियड होता है, जो टॉर्शनल पीरियड होता है वो क्या है, टी इज इक्वल टू पाई रूट आई बाई सी, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन बॉडी एंड सी इज द जो एक कांस्टेंट है, दैट इज सी। जो ट्विस्टिंग कपल के लिए जो कांस्टेंट है दैट इज सी है। सो नाउ फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा। सो ओमेगा इज यू नो दैट 2π/T। ये क्या फॉर्मूला है, ओमेगा का फॉर्मूला है। जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, टी का वैल्यू 2π√i/c, सो दिस गेट कैंसल, सो वी हैव c/i। ये वैल्यू है हमारे पास ओमेगा का। ओमेगा का वैल्यू क्या है, √c/i। सी हियर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, सी इज द रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ टेक द स्क्वेयर ऑफ बोथ साइड, सो इट विल बी ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू c/i। ओके सो फ्रॉम दिस यू कैन राइट, फर्स्ट आई विल क्लियर दिस। सो ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू हमें मिला है c/i। सो फ्रॉम दिस c इज इक्वल टू i इंटू ओमेगा स्क्वेयर। यहाँ पे आई एंड ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2π n होगा। ओके 2π n उसका क्या होने वाला है स्क्वायर। सो बेसिकली टी इज गिवन, सो कैपिटल टी दिया है, इसके लिए n का वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ, टी। ओमेगा के दो फॉर्मूले हैं, 2π/T, 2π n। सो हम 2π/T यूज़ करेंगे क्योंकि पीरियड मेंशन किया है यहाँ पे। अभी हम वैल्यूज पुट जब करते हैं तब यहाँ पे फर्स्ट आई विल टेक द स्क्वायर ऑफ दिस ब्रैकेट, सो दिस विल बी 4π²/T² नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। आई का जो वैल्यू था आई थिंक 10^-3 मिला है हमें। जो वैल्यूज दिए हैं अभी हमने आई का वैल्यू फाइंड किया था, 4 × π² है। सो बेसिकली व्हाट इज पाई, दैट इज 3.142 है। उसका हम स्क्वेयर लेने वाले हैं। सो पाई फर्स्ट वी विल राइट पाई स्क्वायर के लिए, अभी पाई स्क्वायर डालेंगे बाद में, और हम देख सकते हैं टी का जो वैल्यू है दैट इज 1 स्क्वायर। सो फाइनली आई विल राइट 4 × 10^-3 पाई स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू फॉर सी। लेकिन हमें क्या फाइंड करने का है, यहाँ पे टॉर्क फाइंड करने का है। क्या फाइंड करने का है, टॉर्क। हमें क्या फाइंड करने का है यहाँ पे, टॉर्क। सो जो टाउ है उसका वैल्यू हमें फाइंड करने का है। सो टाउ इज इक्वल टू सी थीटा, टाउ इज इक्वल टू सी थीटा। यहाँ पे सी का वैल्यू हमें मालूम है क्या है, 4 × 10^-3 पाई स्क्वेयर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज π/3। सी हियर, सो दिस विल बी 4/3 × 10^-3 पाई स्क्वेयर इंटू पाई, दैट इज पाई क्यूब। ये पाई स्क्वेयर पाई, ये क्या हो जाएगा, पाई क्यूब हो जाएगा। सो वी कैन राइट 4/3, ये जो पाई क्यूब का वैल्यू है वो कितना है, 31 है। जो ऑलरेडी मेंशन किया है आपके प्रॉब्लम में ही, पाई का क्यूब इसका वैल्यू हमें दिया था, 31 दिया था। सो वी आर पुटिंग दिस वैल्यू हियर, एंड जब आप इसका डिवीजन करते हैं, सो 4 ×, सो यहाँ पे हो जाएगा 10.33। इस तरह से इसका डिवीजन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10^-3। सो व्हेन यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 × 10^-10.33, सो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 + 1 दैट इज 13, यहाँ पे हो जाएगा 1, सो 4 × 4, यहाँ पे 41.32 × 10^-3।
सो यू कैन राइट दिस 0. ओके 04132 यूनिट है न्यूटन मीटर. सो अवर आंसर इज 0.04132 न्यूटन मीटर. सो दिस इज अवर आंसर. ओके सो प्रॉब्लम इजी है, सिर्फ आपको अच्छी तरह से जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे मालूम होने चाहिए. लेट सी नेक्स्ट वन. नंबर 22. Find the number of oscillations performed per minute by a magnet is vibrating in the plane of uniform field of 1.6 into 10 to the power minus 5 Weber per meter square. The magnet has moment of inertia 3 into 10 to the power minus 6 kilogram meter square and magnetic moment 3 ampere meter square. See here. जो फर्स्ट वैल्यू हमें दिया है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है. हम बी से दिखाते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर. द मैग्नेट हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 केजी मीटर स्क्वेयर एंड मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम. उसका फॉर्मूला आई इंटू ए होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, जो यहाँ पे उसका वैल्यू हमें दिया है 3 एम्पियर मीटर स्क्वेयर. व्हाट वी आर फाइंडिंग हियर, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म पर मिनट. एन का वैल्यू फाइंड करने का है लेकिन पर मिनट के लिए यहाँ पे वो वैल्यू फाइंड करने का है. सी हियर, जो पीरियड के लिए फॉर्मूला है ये पीरियड के लिए जो फॉर्मूला है हमें यूज करना है जब हमें मैग्नेटिक फील्ड बी से हम डिनोट करते हैं और ये जो एम है यहां पे ये है मैग्नेटिक मोमेंट है. ओके यहाँ पे एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट. ये फॉर्मूला हमें तब यूज करना है पीरियड का. सो यहाँ पे एन के लिए आपको मालूम है एन इज रेसिप्रोकल टू द पीरियड. एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, वो पीरियड के साथ रेसिप्रोकल है तो व्यस्त है. तो ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा एन के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2π √mv/i. Now just need to substitute that values. So what happened here? 1/2 × 3.142. M का जो value है, see here, M का value है 3 है. B का जो value है 1.6 × 10⁻⁵. And जो I दिया है वो है 3 × 10⁻⁶. So these 3 get cancelled. So we have just multiply this 2 to the 4 8 2 6.284. ये value इसका multiplication है. So here you can see that यहाँ पे हो जाएगा 1.6, ये minus 6 ऊपर जाने के बाद plus 6 हो जाएगा और minus 5 plus 6 this gives us 10⁻⁶. तो directly you can write here 6.284. ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, root 16 हो गया. क्या हो गया वो, रूट 16. ओके 10⁻⁶ है यहाँ पे प्लस 1. सो नाउ यू कैन राइट इज रूट 16 इज 4/6.284. ये वैल्यू हमें मिला है एन का. ये क्या है 4/6.284. जो प्रॉब्लम में एन का जो वैल्यू पूछा है वो पूछा है पर मिनट के लिए, ठीक है ना, पर मिनट के लिए. तो हम
इसको जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पर सेकंड के लिए है, पर मिनट के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 60। सो यहां पे एन का जो वैल्यू होगा 4/6.284 है ना, फॉर पर मिनट 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो दिस विल बी सी, सो 4 6 24 डिवाइडेड बाय 6.284। इसका जब हम डिवीजन करेंगे सो फाइनली वी गेट 38.19। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 38.19। ओके, 38.19 ऑसिलेशन पर मिनट, 38.19 ऑसिलेशन पर मिनट। सो दिस वैल्यू वी गेट हियर। सी नेक्स्ट वन, नंबर 23। A wooden block of mass m is kept on a piston that can perform vertical vibrations of adjustable frequency and amplitude. During vibrations, we don't want to block to leave the contact with the piston. How much maximum frequency is possible if the amplitude of the vibration is restricted 25 centimeter? In this case, how much is the energy per unit mass of the block? See here, one value that is amplitude is given, that is 25 centimeter. Let's convert it into meter. Okay, now and in bracket that is mention is there, g ka value or pi square ka value approximately we have to take 10 ओके मीटर पर सेकंड द स्क्वेयर। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड हियर, फ्रीक्वेंसी एन का वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा है, और एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट मास, ये दो वैल्यू हमें यहां पे फाइंड करने के हैं। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू वेट, दिस फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग हियर। सी हियर व्हाट इज बेसिकली गोइंग टू हैपन, जस्ट अ मिनट। सी हियर, यहां पे जो प्रॉब्लम मेंशन किया है, एक ब्लॉक है, उसका जो वाइब्रेशन होने वाला है ये ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। सो बेसिकली यहाँ से क्या होने वाला है, जो नॉर्मल रिएक्शन उसको यहाँ लगेगा, यहाँ से ऊपर की तरफ लगेगा। सो बेसिकली हियर, वन सेकंड, रिस्टोरिंग फोर्स, ओके, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू वेट। इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग रिस्टोरिंग फोर्स बाय एफ, देन व्हाट इज हियर वेट, दैट इज एम जी। सी हियर, एफ का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या है, के एक्स माइनस के एक्स हम लगाते हैं निगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन के लिए, जनरली इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड ओनली यू हैव टू राइट के एक्स, एंड हियर इज अ एम जी, दैट इज वेट। लेकिन जो के का फॉर्मूला है वो क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर। एक्स क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें दिया है 25 × 10⁻¹, मीन्स दैट इज ए। एक्स का वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे ए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो हमें मेंशन किया है, दैट इज ए।
एंड के का फॉर्मूला हमें मालूम है, एम ओमेगा स्क्वायर, हियर इज अ एम जी. सी दिस एम एम विल गेट कैंसल. नाउ वी हैव ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय ए. नाउ ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमें दिया मिला है यहाँ पे जी बाय ए. सी हियर, यहाँ पे जी क्या है, 10 है, और जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. जो जी है उसका जो वैल्यू है वो 10 है, पाई स्क्वायर का भी 10 है. सो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 2 ऊपर जाने के बाद हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू 10 टू द पावर प्लस 2, और यहाँ पे है 25, 1/25 होगा. सो दैट 1/25 इज नथिंग बट व्हाट, 0. ठीक है, 0.4, 10 टू द पावर 3. ये जो 1/25 है वो क्या है, 0.04 है. इसको हम लिख सकते हैं 40. ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला है हमें, 40 मिला है. ओके, सो नाउ यहां से हम ओमेगा का वैल्यू फाइंड करेंगे. जो ओमेगा होगा वो क्या होगा, √40. जो लॉग टेबल में आप देखेंगे ओमेगा का वैल्यू, ये √40 का वैल्यू, वो मिलेगा 6.32. ओके, इसका स्क्वायर रूट देखेंगे आप फ्रॉम 10 टू 100 में 6.3240 का √40. ये होने के बाद अभी हमें क्या एक्चुअली फाइंड करने का है, एन का वैल्यू. सो व्हाट इज हियर ओमेगा, दैट इज 2πn. ओके, उसका वैल्यू हमें कितना मिला है, 6.32. ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2πn. सो हियर एन इज इक्वल टू 6.32 डिवाइडेड बाय 2π. एंड यू नो दैट 6.32 2 और ये पाई का जो वैल्यू है वो आप लिखेंगे तो ये है 3.142. एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस 6.32 × 4826, इसका जब आप डिवीजन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू हमें मिलता है वो क्या मिलता है, 1. सो दैट इज वन ऑसिलेशन पर सेकंड. सो दिस इज अवर आंसर फॉर ओमेगा. ओके, जो ओमेगा का जो वैल्यू हमें मिला है वो क्या मिला है, 1 ऑसिलेशन पर सेकंड. ओके, हियर यू कैन राइट ऑसिलेशन पर सेकंड. नाउ इन सेकंड पार्ट ऑफ दिस दे आर आस्किंग अस एनर्जी पर यूनिट मास. एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम. एम एम क्या हो गया यहाँ पे, कैंसल. सी हियर, यहाँ पे ई बाय एम है. जो 1/2 है ओमेगा का, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, एंड ए का स्क्वायर है. अभी हमने देखा था कि ये जो ओमेगा का वैल्यू 6.32 निकाला था, ओमेगा का वैल्यू √40 भी है, तो हम क्या करेंगे, ये √40 जब डालेंगे हमें ईजी जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √40 का स्क्वायर. ओके, एंड इनटू ए का जो वैल्यू है दैट इज 25 × 10^-2 स्क्वायर. सो दिस विल बी हाफ इंटू 40 × 625 × −4. ओके, सी हियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा. 20 × 625 × 10^-4. सो व्हेन वी डू द मल्टीप्लीकेशन यू कैन मल्टीप्लाई दिस वेरी इजीली. 625 625, दैट इज 1250, एंड 10 विल बी देयर. सो ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो दिस विल बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 20 × 625, एंड हियर इज अ 10^-4. ओके, सो ये −4 है, तो यहाँ पे 4 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1.2500. सो इसका जो यूनिट होगा, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम. सो जूल पर के जी, 1.25 जूल पर के जी. सो दिस इज अवर आंसर, 1.25 जूल पर केजी. ओके,
सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर ऑल अनसॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ ऑसिलेशन चैप्टर. ऑसिलेशन चैप्टर के जो सब प्रॉब्लम नंबर 8 से प्रॉब्लम नंबर 23, ये जो प्रॉब्लम्स है हमारे फिनिश हो चुके हैं. उसके सब वीडियोस जो ऑसिलेशन का प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल में हमारे, उसमें आप देख सकते हैं. ओके, सो जो एक रिमेनिंग जो अनसॉल्व प्रॉब्लम हो